ये देखिए दोस्तों, 32 इंच का ये लोकल सेट है। बैकलाइट में जर्नी आपको दिख रही होंगी। देखिए ये देखिए, सेट स्टैंड बाय से रिलीज है, लेकिन पिक्चर में कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें गेट कॉफ वगैरह कोई भी नहीं दिया है। देखिए, और ये सिंगल का नहीं, डबल कॉफ का पैनल है। और ये देखिए, जो पैनल का नंबर है, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, HV320WHB-N55। इसका नंबर है, ड्यूल कॉफ का ये पैनल है। सेट स्टैंड बाय से रिलीज है, लेकिन इसमें कोई भी सप्लाई बन नहीं रहा। एक्चुअली सप्लाई बनता है, लेकिन बनने के साथ, जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर VGL है, वो 0.42 है, मतलब ड्रॉप हो चुका है। एक बार बनता है, वो कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सेट को हमने बंद किया। जब हम इस सेट को ऑन करेंगे, देखिए पिक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। ये देखिए, पिक्चर बना और साथ के साथ चला भी गया बिल्कुल, इसके बाद कुछ भी नहीं। मतलब इसे पिक्चर बनता है तभी मैंने चेक किया, सप्लाई बनती है, लेकिन वो साथ के साथ ड्रॉप हो जाती हैं। जैसे कि VGL है, वो 12 वोल्ट बनती है, लेकिन VGH 12 वोल्ट बनती है, लेकिन जो नेगेटिव वोल्ट 7 वोल्ट होती है हमारी, वी ऑफ, ये VGL जिसको बोलते हैं, यहाँ पर है वो, ये रहा ये वाला। सभी सप्लाई बन रही है, ये 7 वोल्ट बन रही है माइनस, और ये किसी ने इस पर वर्क किया है, पता नहीं किस वजह से इसको ड्राई सोल्डरिंग किया है दोबारा से। इसका इसमें कोई मैटर नहीं है, क्योंकि 1.8 वोल्ट ये आउट के लिए इसमें लगा होता है। कुछ 3.3 वोल्ट भी इससे लेते हैं, ये रेगुलेटर आई सी है जो, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं है। और पिक्चर की बात करें, देखिए कुछ देर बाद इसमें ग्राफिक्स बना है, मतलब अभी सब सप्लाई इसमें कुछ ना कुछ बना होगा। मैं देख लेते हैं एक बार, जैसे हम VGH चेक करते हैं, पहले सप्लाई बिल्कुल ड्रॉप था। सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अभी सप्लाई मौजूद है, दोबारा से आ चुका है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए VGH है, यहाँ पर देखिए 30 वोल्ट है। और बात करें वी ऑफ, मतलब VGL नेगेटिव 7 वोल्ट, और यहाँ पर दे रखा है DVD 3.3 वोल्ट, और एक है VCOM जो है 7 वोल्ट, और उसके बाद और एक सप्लाई जो रह गया है वो है AVDD, जो हमको यहाँ पर मिल रहा है। एक मिनट में चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पर मिल रहा है 15-16 वोल्टेज के आसपास जो हमको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर, मतलब सप्लाई भी बन गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बन भी गया है, लेकिन पहले ये बिल्कुल भी बन नहीं रहा था। दोबारा से हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज पहले बंद कर लेते हैं, दोबारा से रिलीज करेंगे, जिससे आप इसको अच्छे से समझ में आए, उसके बाद ही हम इस पर वर्क करेंगे। देखिए पिक्चर में अभी कुछ ना कुछ बन रहा है, पहले बिल्कुल डेड था, अभी कुछ ना कुछ दिख रहा है। देखिए, और इसका कारण है जो इसमें देखिए, यदि सिंगल कॉफ होता है, जो न्यू पैनल है हमारा, आपको पता ही है इसमें एक ही IC लगा होता है, उसमें क्या है कि सिंगल कॉफ लगा था, इसमें कटिंग मेथड हम यूज़ करते हैं। लेकिन जिस पैनल में दो कॉफ हो, एक से ज़्यादा हो, मतलब दो हों, चार हों, और गेट कॉफ ना दिया हो, तो उस पर कटिंग मेथड के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा चांस जो सिंगल कॉफ है, उसमें कटिंग मेथड हम वर्क कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के पैनल में जिसमें कॉफ एक से ज़्यादा है, तो ध्यान करें कटिंग मेथड उस पर यूज़ ना करें। सबसे पहले आपको 90% आपको कॉफ का फॉल्ट मिलेगा, कॉफ बर्न मिलेगा। यदि गेट कॉफ है तो बर्न का कोई इलाज नहीं है, बर्न हिस्से को आपको कटिंग करके वो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रिंट मिस हो जाते हैं। लेकिन यदि गेट कॉफ नहीं है, तो उसमें जो हमारा सिग्नल है, दोनों सर तरफ से इनपुट सीधा ही पैनल के अंदर होता है, और उस पैनल को हम जैसे कि सिंगल कॉफ पे ही हम उसको वर्क करा सकते हैं, चला सकते हैं। मतलब इस लाइन की गेट लाइन से हम यदि कट कर देते हैं एक साइड की, तो वो पैनल दोनों ही लाइन्स, गेट लाइन से जो बराबर सप्लाई हैं, दोनों साइड्स में ही इनपुट होती हैं। यदि हम एक साइड ही कट करते हैं, दूसरी साइड भी वो चल जाती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि यदि ये कॉफ एक साइड से बर्न हो, बीच वाले हिस्से से, तो उसका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से कोई इलाज नहीं, बीच में से कोई इलाज नहीं। यदि कोने पर से, ज़्यादातर सप्लाई जो हमारी VGL हैवी सप्लाई होती है, वो कोने से ही इनपुट होती है दोनों साइड में, और इसी कोने में ही चांस होता है काफ़ी हमारी कॉफ का बर्न होने का। तो हमने इसको ध्यान से देखा, तो मैं एक बार इसको लाइट ऑन कर लेता हूँ। जब मैंने दोनों कॉफ को देखा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ से आपको कोई भी निशान नहीं मिलेगा, लेकिन लेफ़्ट साइड में मैंने इसको अच्छे से ढूंढा, तो इसमें मुझे मिला है। देखिए इस पर मुझे कहीं भी बर्न नहीं मिला, लेकिन जब हम यहाँ से देखें ग्लास में, मैं एक बार अच्छे से जूम करके आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए शायद वैसे ना दिखे लेकिन मोबाइल में जूम करने पर आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक निशान है बर्न का, जो कॉफ़ी यहाँ पर बर्न हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए। और ये है सिग्नल जो विजुअल शॉर्टिंग इसमें हो गए हैं और इसमें गेट कॉफ नहीं है और लेफ्ट साइड की कॉफ बर्न हो चुकी है, ये देखिए। और सारा जो प्रॉब्लम हमको दिख रहा है, पिक्चर बनता है ये कुछ टाइम बनने के बाद चला जाता है, तो सारा ही प्रॉब्लम इसी कॉफ का है। यदि इसमें गेट कॉफ होता है ये कॉफ चेंज ही होता, क्योंकि इसमें प्रिंट जो हमारे मिस हो जाते हैं तो उनकी हमको ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसमें गेट कॉफ तो है नहीं, तो काफ़ी चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं कि इस हिस्से को यदि हम कटिंग मेथड के द्वारा इसको रिमूव करेंगे, जहाँ से ये मतलब एक मिनट पीछे क्लियर कर लेता हूँ, मतलब जितना हिस्सा यहाँ पर बर्न हुआ ना, इस हिस्से को यदि हम सर्जिकल से रिमूव कर देंगे, मतलब इसकी शॉर्टिंग रिमूव कर देंगे, तो काफ़ी चांस है कि ये हमारा पहले एक साइड से सप्लाई इनपुट होने के कारण अच्छे से वर्क कर जाएगा। तो इसी प्रोसेस पर हम आज वर्क करने वाले हैं, तो पूरा डिटेल मैंने दिया कि मैं क्या वर्क करने वाला हूँ, किस तरह इसमें पार्ट है, ताकि इसके बारे में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो अभी मैं वीडियो को रोककर इस पर थोड़ा सा वर्क करके इस शॉर्टिंग को रिमूव करके आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो हिस्सा बर्न था, एक मिनट फोकस में क्लियर करने की कोशिश करते ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ये देखिए जो हिस्सा बर्न था, हमने उसको बर्न हिस्से को यहाँ से रिमूव करने की कोशिश किया है बिल्कुल हल्का, जिससे प्रिंट भी डैमेज ना हो, लेकिन जो डैमेज हो चुके हैं वो शॉर्ट भी ना हो। तो फिलहाल कुछ चला के भी देखते हैं इसमें कैसा ग्राफिक्स कुछ बना है नहीं बना है, हो सकता है हमको कॉफ भी चेंज कराना पड़े, लेकिन कुछ चांस हो, काफ़ी चांस अभी हैं इसके बनने के, तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। स्टैंड में सिलीज हम कर लेते हैं, देखिए पिक्चर तो अभी बना है और पहले से कुछ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए तो दोस्तों, देखिए पैन हमारा बना है, लेकिन बीच में काफ़ी, यदि ध्यान से देखो, जाली है अभी और बीच में लाइनिंग भी आ गया, ये कॉफ का की वजह से लाइनिंग आ गई। लेकिन यदि सिंगल कॉफ होता, उस हम हाफ इसे कट करते, तो ऐसा फॉल्ट हमको सिंगल कॉफ में कभी देखने को नहीं मिलता, जो हमारे अभी फ़िलहाल लेटेस्ट पैन आ रहे हैं। लेकिन जो पहले के पुराने के पैनल हैं उनमें ये काफ़ी लाइनिंग का देखने को हमको, जो ड्यूल कॉफ है, डबल कॉफ है, उसमें लाइनिंग देखने को मिल जाती है हमको। लेकिन अभी भी हम इस लाइनिंग को भी कुछ कोशिश करेंगे, जिससे कि पिक्चर कुछ इससे बेटर, जो जाली है बीच में वो ख़त्म हो पाई है, देखिए जाली दिख रही है, इस हिस्से को हम ख़त्म कर पाए, कुछ ऐसा भी हमको अभी प्रयास करना है, क्योंकि कुछ पॉइंट अभी भी हमको यहाँ पर लग रहे हैं कि शॉर्ट होगा। जितना हिस्सा में शॉर्टिंग है फिलहाल हम अब थोड़ा सा वर्क और करते हैं, जिससे कुछ इम्प्रूवमेंट मिले, नहीं मिलेगा तो लास्ट चांस है कि कॉफ डलवाएंगे। लेकिन कितना क्वालिटी हम बिना बॉन्डिंग के विदाउट कॉफ चेंज करें बना सकते हैं, उतना हम तब तक हम वर्क करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए जो हिस्सा बर्न था, पहले तो मैं फोकस क्लिक करता हूँ, पिक्चर क्लियर करने का आपको कोशिश करता हूँ, अभी तो आप देख पाए। ये देखिए जो हिस्सा बर्न था यहाँ पर, ये देखिए वो हिस्सा हमने, एक मिनट, क्लियर नहीं है अभी पिक्चर, मैं तो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। देखिए जो सर बर्न था, ये देखिए हमने उसको ग्लास से रिमूव किया है, ऊपर उठा दिया है, जिससे क्या है कि ये ग्लास से टच ना हो और वो पिक्चर की क्वालिटी में कुछ डिफरेंस अच्छा मिल सके। देखिए बर्न हिस्से को हमने यहाँ से बिल्कुल ग्लास से ऊपर से उठा दिया है, और इसको इस तरह से उठाना है, हीट से उठाना है, ना कि ब्लेड से। यदि ग्लास के ऊपर, यहाँ पर कॉफ के नीचे ग्लास के ऊपर जो प्रिंट अटैच होते हैं, जो हम बॉन्डिंग से करवाते हैं, यदि हम यहाँ पर सर्जिकल लगाएंगे या ज़्यादा हीट से यहाँ पर प्रिंट डैमेज हो गए, तो इसमें लाइनिंग कभी जाने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम इस कॉफ को काटें तो वो ग्लास के से दूर हो, ब्लेड वो ग्लास को टच ना करने पाए। दूसरा, वो ऐसे हीट से रिमूव उठाएं, इसको रिमूव करें कि ग्लास पे बिल्कुल ब्लेड लगने ना पाए, नहीं तो आपका फॉल्ट दोबारा नहीं निकलेगा। और जितना हम इस पर वर्क कर सकते, देखिए वो हिस्सा हमने यहाँ से ऊपर उठा ही दिया है, मतलब अभी ये ग्लास से टच नहीं है और बिल्कुल जो बर्न हिस्सा था बिल्कुल रिमूव कर दिया है। और अभी चला के देख लेते हैं कैसा रिजल्ट है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ। देखिए सेट को एक बार रिलीज कर लेते, देखिए तो देखिए पिक्चर भी हमने लगा रखा है, लेकिन पहले हम इसको पिक्चर को बंद करके दिखा देते हैं। हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट हुआ है जाली में, लेकिन ये लाइनिंग अभी नहीं जाने वाला, ये देखिए, क्योंकि एक ऑफ में
सिंगल कोक में, मैं दोबारा से याद करा रहा हूँ आपको ताकि आपको है ना मिल सके, सिंगल कोक के पैनल में ये लाइनें नहीं आती क्योंकि वो एक ही साइड की गेट लाइन से वर्क कर जाता है, लेकिन जिसमें ड्यूल कोक है, डबल कोक दे रखी है, उसमें गेट लाइन्स कट करने से, एक दो गेट लाइन्स कट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें काफ़ी प्रिंट कट गए हैं, डैमेज हो गए हैं इस कोक में, इसकी वजह से ये लाइन आ रहा है। देखिए ये लाइन ही तो रहेगा, और इतना हिस्से में जो पिक्चर कटा है वो भी इसी की वजह से कटा है, और देखने लायक मैं देख लेते हैं वीडियो देखिए कैसा लग रहा है। देखिए लाइनिंग जरूर रहेगा लेकिन हमारा पैन चल गया, देखिए इधर वाले हिस्से में लाइनिंग है बीच में, बाकी ठीक चल रहा है। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, मतलब यदि कस्टमर को पैसे नहीं लगाने तो ये काम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए हमको कोफ तो डलवाना पड़ेगा, वो बाद का मैटर है, कस्टमर से हम कांटेक्ट करके बात करके ही देखेंगे वो क्या इस पर देखते हैं, वो पैसे लगा पाते तो हम इसका कॉफ़ी चेंज कराएंगे, वो नहीं पैसे लगाता तो उसका काम चलाने के लिए सेट आपके सामने चल भी रहा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास जो हमने किया, वो आपको डिटेल मैंने वीडियो में पूरा दिया है ताकि इस तरह फॉल्ट आपके पास आए तो किस तरह से आप उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, उस प्रोसेस के जरिए आप उस LED सेट को बना सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हुए वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।